और मैं निवेदन पूर्वक ये बात पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं, गुरु मिलना भाग्य की बात है, गुरु मिल जाए ये भाग्य की बात है, लेकिन सदगुरु मिले ये तो परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना है, सबने सुना है, पूरी दुनिया जानती है। उनके बचपन का नाम है नरेंद्र और उनके गुरु का जो नाम है वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। ये 12 साल का नरेंद्र, ये 8 साल 10 साल के नरेंद्र रहे होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की घटना है। 10-12 साल के रहे होंगे, ये गुरु की खोज में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। गांव में कोई संत आ जाते हैं तो दौड़ के पहुंच जाते हैं, मुझे गुरु मिल जाए। जब भी किन्हीं संतों की चर्चा चलती तो ये दौड़ के पहुंच जाते हैं कि मुझे गुरु मिल जाए। एक दिन ये ऐसे करते करते रामकृष्ण जी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या एक है कि इतने गुरुओं के पास में गए लेकिन इनके मन की संतुष्टि नहीं हो रही। गुरु की पहचान कैसे करते हैं, शायद आपने नहीं सुनी होगी ये चर्चा। गुरु की पहचान कैसे करते हैं, हम गुरु की पहचान कैसे करते हैं, सबको अपने अपने मालूम है कि हम गुरु की पहचान कैसे करते हैं। यार वो गुरु, कोई ऐसा सोचता है कि यार वो इंदौर से आए, बोले बहुत दूर से आए हैं यार, चलो देखते हैं, उनको भी देखते हैं, ऐसा भी मन में भाव रहता है। वृंदावन से आए, बोले चलो, अरे वो इतनी दूर से आए, बोले चलो। कोई चर्चा कर देता है, अरे यार वो तो BMW में चलते हैं भैया, बहुत बड़ा आश्रम है उनका, और तो फिर उनको गुरु बनाना चाहिए यार। सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स रहती, सबके अपने अपने भाव, सबकी अपनी अपनी चाहत रहती, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं रहती। नरेंद्र नाम का जो ये बालक है, स्वामी रामकृष्ण जी महाराज की कुटिया पर पहुंच जाता है। ध्यान देना कि कुटिया का दरवाजा बंद है और स्वामी रामकृष्ण जी कुटिया में भीतर बैठे हैं, भीतर से दरवाजा लगा हुआ है। नन्हा सा बालक द्वार पर पहुंच जाता है और कुंडी खटखटाता है। जब दरवाजा खटखटाता है तो भीतर से आवाज आती है। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज पूछते हैं कि कौन है। भीतर से स्वामी रामकृष्ण जी पूछते हैं कि जो द्वार के बाहर, ये द्वार जो खटखटा रहा है, भाई कौन है। ये छोटा सा बच्चा नरेंद्र बाहर से आवाज लगाता है और हाथ जोड़ करके कहता है, गुरुदेव मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब देते हुए आपसे ये कहता हूं कि अगर मुझे पता होता कि मैं कौन हूं तो मैं यहां आपके मारने आता, क्यों आता। मुझे अगर पता ही हो जाए कि मैं कौन हूं तो मैं काय के लिए आऊं। धन्य है वो नन्हा सा बालक और धन्य है ऐसे सदगुरु जिन्होंने भीतर से कहा कि बेटा बहुत हजारों लोग आए मेरे पास, बहुत लोगों ने दरवाजा खटखटाया, कोई आवे छोरा छोरी मांगे दे तो गुसाई रीझे। हे गुरुदेव कोई आए तो छोर छोरी मांगे, कोई बहु मांगे तो कोई बेटो मांगे तो कोई घर मांगे तो कोई अदालत में केस चल रही हो उसको निपटारो मांगे, कोई कह की सासू मरी जाए गुरु महाराज तो नजरे, कोई कह की या बहु अगी चली जाए दूसरी आई जाए तो नजरे, तरह तरह को मांगे। लेकिन बेटा तू पहलो है सो बच्चों आयो है जिन्हें मारे यो क्यों है कि हूँ कौन है मारे यो जानो। हम भी अपने गुरु के पास में गए होंगे, हमने देखा देखी नाम लिए होंगे कि यार अपना बीजी ने लियो तो अपन भी ले लो, बड़ा भाई ने लियो तो अपन भी ले लो, पति ने लिया है तो पत्नी भी गुरुमुखी बन जाती है, पत्नी ने लिया है तो पति भी जबरदस्ती गुरुमुखी बन जाता है। जानने की इच्छा नहीं है मैं कौन हूं। जिनके भीतर ये जानने की जिज्ञासा जाग जाए कि मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, अपनी आइडेंटिटी पे जो नाम लिखा होता है ये आइडेंटिटी थोड़ी ना है अपनी, ये तो यहाँ दुनिया की समाज की आइडेंटिटी है कि नाम लिखा होता है कि ये दीप गुरु, ये दीप गुरु थोड़ी है, ये तो आधार कार्ड पे लिखा हुआ, ये केवल यही चलता है, वहां की पहचान तो कोई अलग है। वो पहचान कोई सदगुरु करा दे तो बात बने,
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस दुनिया में स्वामी रामकृष्ण जी महाराज का बहुत बड़ा नाम है, परम योगी है, परम संत है, लेकिन उन्होंने शिष्य बनाया तो केवल एक ही शिष्य बनाया पूरी लाइफ में, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद जी महाराज। एक ही शिष्य, दूसरा बनाया ही नहीं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक ही शिष्य बनाया और जिनका नाम था भगिनी निवेदिता, एक शिष्य के। यहां तो शिष्य बनाने की होड़ लगी हुई है, हजारों शिष्य बन जाए, लाखों शिष्य बन जाए, सैकड़ों आश्रम खुल जाए तो मेरा नाम हो जाए, उस नाम से क्या लेना देना। शिष्य तो एक ही अच्छा होता है, पुत्र एक ही अच्छा। देखा है ना हमने समाज में, एक माँ बाप के चार चार बेटे होते हैं लेकिन फिर भी चार ही बेटा ना में से एक भी बेटो रोटी नहीं दे बुढ़ापा में, एक भी सेवा नहीं करे तो कई काम को। बच्चों एक ही हो तो बहुत अच्छो, लेकिन श्रवण जैसो हो तो जीवन को बेड़ो पार हो जाए। शिष्य एक बने लेकिन भक्त प्रहलाद का जैसो बने, भक्त मेरा भाई का जैसो बने, भक्त ध्रुव का जैसो बने। एक ही संतान, एक ही शिष्य हो तो काम को है। हजार शिष्य कई काम का, मुर्दा हजार भी हो तो कई काम का, जिंदो एक व्यक्ति काम को होया करे महारा भाई बहन। इकालिए उन जीवन के खोजने की कोशिश करनी है, कोई जीवंत सतगुरु मिली जाए जिको दियो जड़ियो हुयो हो, जिनका खुद का घर में अंधेरों पड़ी हुई भी कोई दूसरा का घरे कदी रोशनी नहीं करी पाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, सामर्थ गुरु संसार में और ताको राखो सिर का ताज, जो जाला काटे जीव का और ले जावे अपने साथ, ले जावे अपने साथ। कोई जाला काटने वालों जीव चावे। इन दुनिया का हाल बड़ा अनोखा है साहब। अपना खेत पड़ोसी रे, नहीं खेत पड़ोसी रे, मेर पड़ोसी रे, घर पड़ोसी रे। आप देखो कि अपना खेत पड़ोसी रे नहीं, उका खेत में बड़ा बड़ा जाला उग्या होया और या करे, उका खेत में तो बखर लगियो नहीं लेकिन वो पड़ोसी के जरूर के ही, या मेर को साफ कर लो कहीं तुम्हारे ध्यान नहीं। जो खुद कुमारी है, जो कभी ससुराल गई नहीं, वह उन्हें परनी हुई के न्यू के, तू थोड़ी ढंग से जाजे सासरा मेरे तो असी चल जे, ऐसा पांव पटक जे, सासू ससुरा की कदर कर जे, थोड़ी इज्जत कर जे, पति से प्रेम कर जे। अन वह परनी छेड़ा में से कि वो गेली थके कहीं समझो, थके कहीं मालूम सासरा का कहीं हाल चाल हो जा कर। सदगुरु रविदास जी महाराज लिखते हैं, परन्योड़ी नार प्यारी गम जाने, कई जाने कुंवारी बाता, बिना भेदवा फिरे भटकती और माइला में खावे दो दो लाता। परनी को काम है तो जो परनी जावे, पर पति वसो चावे, परण उससे है जो अजर अमर होया करे। और परण्य की बहुत बड़ी महिमा है सर, बहुत अद्भुत बात है। लाड़ी बनो तो उना ऐसा लाड़ा की लाड़ी बनो कि जिको मजो आई जाए जीवन भर। देखो ब्याह हो ही नहीं, अपन गांव की बात करा, क्योंकि अपन गांव का अपन देहात का लोग, हाँ अपन गांव की बात करा तो अपनी छोरी के ज्यादा हल्दी लगे तो उके कहीं क्या करे गांव में, अपन कहीं गांव के घर का सब लोग रिश्तेदार लोग भी उके कहीं के लाड़ी, लाड़ी कहां गई, लाड़ी कयाड़ी बठी है, लाड़ी के मेहंदी लगाई के नहीं लगाई, लाड़ी ने रोटी खाई के नहीं खाई, लाड़ी सोई के नहीं सोई, लाड़ी तैयार हुई के नहीं, नाम नहीं लेगा लेते क्या कोई नाम, लाड़ी कहां गई, आज बानो कहां लाड़ी को, अन छोरा के हल्दी लगाई तो उके कहीं के लाड़ो, लाड़ो कहां है, लाड़ो कहां गयो, उका दोस्त जो जीवन भर उको नाम ले, बहुत मस्ती करे उका साथ, लेकिन ज्यादा हल्दी लगी जाए उके तो फिर उको नाम लाड़ो लाड़ो करया करे, उको नाम नहीं ले, लाड़ो कहां है, लाड़ो तैयार हुयो कि नहीं, अरे लाड़ा के लाओ, अरे लाड़ा के घोड़ी पे बैठाओ, असो करो वसो करो वसो करो, यो करो वो करो सब करो। या बात तो होगी, लेकिन अब अंदाज लगाओ आप कि लाड़ा लाड़ी रे कितना दिन तक, कितना दिन तक रे लाड़ा लाड़ी, लाड़ो आठ दिन तक, पांच बाना रे तो आठ दिन तक, कोई कोई कदी पंद्रह दिन खूब करो तो के यार अभी हाथ की हल्दी नहीं छूटी, मेहंदी नहीं छूटी तो बोलन जो का अभी अभी लाड़ो अभी सुतक, लाड़ो तो हालांकि वो तो लाड़ी घरे ही जाए उसका बाद में लाड़ो तो खत्म ही हुई जाया करे, लेकिन लाड़ी हमेशा लाड़ी रहे। विचार करना आप बात, लाड़ी हमेशा लाड़ी रहे,
साठ साल को डोकरो, 80 साल को डोकरो घरे अगर अंगना में बैठियो होए अन उकी बहू भी अगर 40 साल की 60 साल की भी हुई जाए कदी अन जिंदो होए जीवतो होए डोकरो अन कोई पूछे दादा व नानक कौन अपनी लाड़ी, लाड़ी है नहीं अपनी लाड़ी है। 60 साल की डोकरी के भी 80 साल को डोकरो हुई के गो लाड़ी है नहीं लाड़ी है, लाड़ी गई लाड़ी बैठी है ला लाड़ी पानी ला जाए ऐसी लाड़ी। एक दिन की लाड़ी नहीं बननो, पांच दिन की लाड़ी नहीं बननो, 15 दिन की लाड़ी नहीं बननो, लाड़ी बननो सदा सदा का लिए और सदा का लिए लाड़ी बनने का लिए। लाड़ो असोचावे कसोचावे जैसो मीरा भाई ने क्यों, अरे हूँ ऐसा लाड़ा के कहीं करूँ जो उपजे और ये बुखार में ही मर जाए, मैं तो वरुण नंदलाल को कि मारो चूड़ो अमर कहीं करूँ ऐसा लाड़ा के घोड़ी पे बैठियो जब तो कर लो भट अन घरे आयो तो जो तीन हमारी तो कमर दुखी घोड़ी पे बैठ तारी कमर दुखी महीना 6 महीना में मरी जावे एक बुखार आई जाए तने ठुकाकड़ हो जाया करे। मीरा भाई कह रही है मैं ऐसे वर को क्या करूं जो पैदा होए और मर जाए, जो अभी तो बहुत सुंदर थो 6 साल में एक चेहरा पे झुर्री ना पड़ने मंडी जाए, यो बूढ़ो हुई जाए। कल की बात अच्छी थी आज मुंह में गाड़ी भरी है, कल प्रेम अच्छो करतो थो आज मार से नफरत कर रही हो, कल मारा बिना भोजन नहीं करतो थो आज यार दोस्त ना का साथ पार्टी मना रही हो। ऐसो पति मारे नहीं चावे, मारे तो ऐसो चावे जिससे जन्म जन्म को मारो साथ हुई जाए, जन्म जन्म को मारो नाम जुड़ जाए, जन्म जन्म का लिए मैं मुक्त हुई जाऊं, सदा का लिए मुक्त हुई जाऊं। ऐसे को क्या करूं जो उपजे मर जाए, मैं तो वरुण नंदलाल को मारो चूड़ो अमर हो जाए, चूड़ो अमर हो। ऐसे वर को वरने की जरूरत है, लेकिन ऐसो वर ऐसो घर कौन ढूंढेगो। 4 दिन पहले चर्चा हुई थी मजोड़िया की, मजोड़ियों अगर मजबूत होए, मजोड़ियों ईमानदार होए, जो 2 पैसा की भी इच्छा नहीं रखतो होए, जिके लालच नहीं होए गाड़ी का पेट्रोल को, जिके नाश्ता की इच्छा नहीं होए, जो तुम्हारी बीड़ी भी नहीं पिए, वो मजोड़ियों अच्छो वर और अच्छो घर ढूंढेगो और ऐसो घर ढूंढेगो कि जन्म जन्म तक 7 पीढ़ी तक वो रिश्तों चलतो रहेगो। और लोग न्यू केगा हमारा दादाजी ने यो रिश्तो कराया था यार, लेकिन देखिलो आज तक कदी पौन बीसी बात भी सुनने के नहीं मिली, क्या घरानो ढूंढियो थो साहब उनने। ऐसो सतगुरु चावे और ऐसा गुरु जब होए तो जीवन को कल्याण हो जाए। राजस्थान में बाबा रामदेव जी महाराज की एक भक्त हुई जिसका नाम था रूपाबाई, जो राजपूत घराने की क्षत्रानी है, जिसके पति का नाम है मालदेव। राजस्थान में जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने समाधि ली और आज वो मल्लीनाथ जी महाराज के नाम से सिद्ध उनकी समाधि पूजा रही है उनके पति। रूपाबाई जिसका नाम है और जिसके जिनके गुरु का नाम है उगम सिंह जी महाराज, संत उगम सिंह जी महाराज, जो बाबा रामदेव जी महाराज के परम भक्तों में से रहे। एक समय की ऐसी घटना है कि ग्रस्त जीवन में भक्ति रह करके जो करें उसको ये समझ लो आप कि उसको तलवार की धार पर चलना होता है, खांडे की धार पर चलना होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं खांडा की धार छुरी को पानो और असल सुई को नाको, गुरु गम को मार्ग है बांको। बहुत बांको काम है, पति की हर इच्छा की पूर्ति करना, उसके बाद में गुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना, पूरा दायित्व निभाना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। पता चला कि रूपाबाई के गांव में सत्संग हो रहा है, रूपाबाई राजमहल की स्त्री है, राजघराने की रहने वाली है, कैसे घर से बाहर निकले, कैसे राजघराने से बाहर जाए। किसी भक्त ने आकर के खबर दी कि रूपाबाई आपके गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव का दर्शन करना चाहिए, उन्होंने न्योता भेजा है कि धारू मेघवाल के घर पर जम्मा जागरण का कार्यक्रम है और रूपाबाई को न्योता भेजो कि रूपाबाई वहां पर आए। लेकिन रूपाबाई बड़ी दुखी है, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, क्योंकि रूपाबाई के जो पति हैं वो बड़े खराब हैं, वो भगवान के नाम से बड़े चिढ़ते हैं, गुरु के नाम से बड़े चिढ़ते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं, सत्संग की बात मत करो, नुगुरा आदमी है,
जिसको परमात्मा से प्रेम नहीं है, जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। रूपाबाई अपने प्रभु से, अपने गुरुजी महाराज से एक विनती करती है, एक छोटा सा भजन। Thank you.
I'm not afraid.